हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की वीडियो में लेकर आए हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट की यूनिट 1, इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट नेचर एंड स्कोप, इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन प्रोसेस। तो आज की वीडियो में ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होने वाली है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और प्रोडक्शन मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें जहाँ पर आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चैप्टर 1 हमें गिवन है, इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो ये जो पीडीएफ मैंने पूरी बनाई है, ये हमारे जो भी टॉपिक्स हैं, सिर्फ मैंने उन्हीं टॉपिक्स को ही कवर किया है इस पीडीएफ में और इस वीडियो में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन की। तो प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बोला गया है प्रोडक्शन जो है वो क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज की क्रिएशन। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करते हैं वही हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। प्रोडक्शन एक्टिविटी इज नथिंग बट द स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ मटेरियल इनटू अनदर। हम जानते हैं प्रोडक्शन है क्या। हम किसी एक मटीरियल को ले रहे हैं, एक रॉ मटीरियल को ले रहे हैं, या बोल सकते हैं वन फॉर्म ऑफ मटीरियल ले रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं अनदर में, यानी कि फिनिश गुड्स में, है ना। तो यही हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी है। स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन करते हैं हम एक फॉर्म ऑफ मटेरियल को दूसरी फॉर्म में, और केमिकली करें या चाहे मैकेनिकली करें। तो दिस इज़ डन इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में डन होती हैं ये, विच हैव मैनुफैक्चरिंग प्रोसेसेस, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो द बेसिक इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर मैन। अब प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स की, मैन की, मशीन्स की, प्लांट होना चाहिए जहाँ पे आप ये प्रोडक्शन करेंगे, सर्विसेज होनी चाहिए, मेथड्स आपको पता होने चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्शन प्रोसेस की। फिनिश प्रोडक्ट ऑफ वन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मे नॉट बिकम फिनिश प्रोडक्ट फॉर कंजम्पशन, इट मे बिकम द रॉ मटेरियल फॉर अदर। हम जानते हैं कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से जो प्रोडक्ट बना, ज़रूरी नहीं है वो प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। हो सकता है वो प्रोडक्ट किसी और दूसरे प्रोडक्ट के लिए एक रॉ मटेरियल हो, है ना। तो प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ मटेरियल इनटू अनदर थ्रू प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होती है जिसकी वजह से कन्वर्जन होता है स्टेप बाय स्टेप, और क्रिएट होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ताकि उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की यूटिलिटी एनहेंस हो सके, है ना। अब कोई रॉ मटेरियल है, अगर हम उसको फिनिश प्रोडक्ट में एक कंज्यूमेबल गुड में अगर हम उसको कन्वर्ट कर देंगे तो उसकी यूटिलिटी भी बढ़ जाएगी ना। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट डील करता है डिसीजन मेकिंग। कौन सी डिसीजन मेकिंग, जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड हो, सो दैट द रिजल्टिंग गुड्स और सर्विसेज इज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो, इन द अमाउंट एंड बाय द शेड्यूल डिमांडेड एट मिनिमम कॉस्ट। और डिमांड जब उन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड तक वो पूरे होने चाहिए और मिनिमम कॉस्ट भी होनी चाहिए। तो ये ES बफा के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट की डेफिनेशन थी। डेफिनेशन से कुछ एस्पेक्ट्स निकल करके आए। पहला कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, एक डिसीजन मेकिंग मैनेजरियल फंक्शन है। दूसरा, जो डिसीजन होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो प्रोडक्शन और आउटपुट शुड बी एज पर द स्पेसिफिकेशन। जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो भी स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। शेड्यूल यानी कि टाइम पर आपको प्रोडक्ट बनाना है और मिनिमम कॉस्ट पर बनाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक और डेफिनेशन गिवन है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद दोज प्रोसेसेस विच कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट, है ना। तो ये तो सबसे आसान है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, इज कंसर्न विद दोज प्रोसेसेस, मतलब ऐसे प्रोसेसेस जिसमें हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो इनपुट आर वेरियस रिसोर्स। इनपुट क्या हो सकते हैं, आपके रॉ मटेरियल हो सकते हैं, मैन मशीन मेथड्स, ये सब का यूज़ करके, ये सारे इनपुट्स हैं, इन सब का यूज़ करके आप एक गुड्स एंड सर्विसेज बनाओगे, वो आपका आउटपुट है। तो H.A. हार्डिंग के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट की डेफिनेशन है। और इस डेफिनेशन से क्या एस्पेक्ट्स निकल करके आए, नंबर वन,
कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंसर्न विद द कन्वर्जन प्रोसेसेस, कि जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है उसका संबंध किसके साथ है, कन्वर्जन प्रोसेसेस के साथ है। दूसरा, वेरियस रिसोर्सेज आर द इनपुट्स, काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। और गुड्स एंड सर्विसेज जो बन करके आए वो हमारे आउटपुट हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, की हमें यहाँ पे मीनिंग एंड डेफिनेशन गिवन है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट को ही यू नो प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हुए। और सिंपल स्टेटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजिंग द प्रोसेस दैट कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। जो भी हमने पढ़ा वही सेम है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट भी वही है कि भाई प्रोसेसेस को मैनेज करना, कन्वर्ट करना इनपुट को आउटपुट में। इनपुट कौन से हो सकते हैं, आपके मटेरियल, लेबर, एनर्जी, ये आपके इनपुट हैं। फिर उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो आउटपुट में, आउटपुट इन द सेंस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ग्रोथ ऑफ सर्विस इंडस्ट्री हैज़ ब्रॉट विद इट टर्म ऑपरेशन मैनेजमेंट, तो इसको ऑपरेशन मैनेजमेंट भी बोलते हैं हम। बात करेंगे कॉन्सेप्ट की अब, जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। तो एक्सपर्ट डिफर एज टू व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी। वन साइड देयर आर ऑथर्स हु डिफरेंशिएट प्रोडक्शन मैनेजमेंट फ्रॉम ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो बोला गया है कि एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या होनी चाहिए, क्या बोला जाना चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलना चाहिए या ऑपरेशन मैनेजमेंट बोलना चाहिए। तो एक साइड कुछ ऑथर्स का कहना है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है और ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग है, और कुछ ऑथर कह रहे हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो फर्स्ट ग्रुप सेज, पहला ग्रुप ये बोलता है कि डिफरेंस है प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट का, तो इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड एंड एक्सप्लेन बाय मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट ल्यूमिनरीज। लेकिन ये चीज़ डिफाइन नहीं की गई है, ना ही एक्सप्लेन की गई है। और हाउएवर दीज टू आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ द मैनेजमेंट, लेकिन फिर भी ये मैनेजमेंट की दो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो मेनली डील करता है मैनुफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की मैनुफैक्चरिंग से डील करता है, दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इंटू फिनिश प्रोडक्ट। जो भी हमने पढ़ा कि ये जो है डील करता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट्स में, इससे ये डील करता है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ रिलेटिवली एन ओल्डर कंसेप्ट, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट ओल्डर कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, और ये एप्लीकेबल होता है मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटी में। ऑपरेशन मैनेजमेंट की दूसरी ओर बात करें, इज़ ऑल टूगेदर अ न्यू मैनेजमेंट कंसेप्ट, तो इसको नया मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट बोला गया है ऑपरेशन मैनेजमेंट को, और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सभी फंक्शंस में, जिसमें आपके प्रोडक्शन भी इंक्लूड होगा, मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब में एप्लीकेबल है। ऑपरेशन मैनेजमेंट नॉलेज देता है कि आपको कोई प्रोसेस कैसे हैंडल करना है, और एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली आपको कैसे कोई प्रोसेस हैंडल करना है, कैसे आपको कार्य करना है। ऑपरेशन मैनेजमेंट इस बारे में नॉलेज देता है। तो इन दिस टेक्स द वर्ड प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन आर यूज्ड इंटरचेंजेबली एज सिनोनिमस वर्ड्स, हम इनको एक दूसरे के स्थान पे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ यू नो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द फ्रेजेस प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट, टू अवॉइड कन्फ्यूजन इट इज़ रेफर्ड एज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम जो है ऐसे बोलते हैं कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ये बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब इवोल्यूशन की बात करेंगे, इवोल्यूशन कैसे हुआ प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमको गिवन है। बात करेंगे इसके इवोल्यूशन की, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट फंक्शन इज़ नॉट वेरी ओल्ड, बहुत पुराना नहीं है। इट इज़ सेड दैट डिवीज़न ऑफ लेबर प्रोपाउंडेड बाय एडम स्मिथ इन 1776 लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि जब डिवीज़न ऑफ लेबर आया, यानी कि लेबर को डिवाइड किया गया, एडम स्मिथ ने ये कॉन्सेप्ट लाया था, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन मैनेजमेंट का इवोल्यूशन हुआ था। चार्ल्स बैबेज 1832 ने में मतलब चार्ल्स बैबेज ने 1832 में एम्फसाइज किया था साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करो फॉर शॉप फ्लोर प्रॉब्लम्स, मतलब हमको जो है साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करने पे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए, ऐसा चार्ल्स बैबेज ने बोला था। F.W. टेलर ने बोला, has been described as a pioneer in this field, तो F.W. टेलर को भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक तरीके से पायनियर बताया गया। तो अब टेलर ने क्या बोला, टेलर ने यहाँ पे हमें कुछ एस्पेक्ट्स दिए हैं। टेलर ने बोला कि इस चीज़ों पर जोर दिया जाना चाहिए, एम्फसाइज किया जाना चाहिए। नंबर वन,
रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंटिफिक मेथड, कि ये जो रूल ऑफ थंब है इसको हटा दो और साइंटिफिक मेथड्स ले आओ, तो रिप्लेस कर दो रूल ऑफ थंब को किसके साथ, साइंटिफिक मेथड्स के साथ। नंबर टू, सिलेक्शन ऑफ राइट पर्संस फॉर राइट जॉब, सही लोग सही जॉब के लिए, है ना, जो भी जॉब है उस पर राइट पर्सन को सिलेक्ट करो, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करो ताकि उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर हो, तो इस चीज़ पे एम्फसाइज किया गया। ही प्लीडेड फॉर हार्मनी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, द एम बीइंग मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड बेटर वेजेस फॉर वर्किंग क्लास। तो बेसिकली वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में भी संबंध अच्छे होने चाहिए, एम इसका यही था कि प्रोडक्शन का मैक्सिमाइजेशन करना है, बेटर वेजेस मिलनी चाहिए जो भी लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, दैट इज़ अ पर्सन टेकिंग अप द वर्क इन विच ही इज स्पेशलाइज्ड। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब ये है कि जो है वही लोग लो, मतलब लोगों को वही काम दो जिसमें वो स्पेशलाइज्ड हों, जिनमें उनको जो है स्पेशलाइजेशन हो, तो वही काम उनको दिया जाना चाहिए। हेनरी फ्योल की बात करें तो हेनरी फ्योल ने अटेम्प्ट किया था मास प्रोडक्शन एंड अरेंज वर्क स्टेशन इन टू एन असेंबली लाइन में विद दी कन्वेयर बेल्ट, और हेनरी गैंट ने उसी साल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एंड डेवलप्ड गैंट चार्ट्स। तो उन्होंने इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और गैंट चार्ट्स डेवलप किए जो कि आज यूज़ किए जाते हैं। और विल्सन 1928 में डेवलप्ड हुआ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फार्मूला, हम जानते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फार्मूला को, जिसमें हम क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी इन्वेंट्री ऑर्डर करनी चाहिए, राइट, ये सब हम कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में, कि हमें ऑर्डर कितना मंगाना चाहिए, किस टाइम पे मंगाना चाहिए, या पूरे साल में हमें कितना ऑर्डर मंगाना चाहिए, कितनी बार मंगाना चाहिए, तो ये सब हम इसमें डिसाइड करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर फार्मूला में। तो ये विल्सन ने दिया। रोमिंग एंड शुहार्ट 1931 पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पल इंस्पेक्शन। तो डॉज, रोमिंग एंड शुहार्ट 1931 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सैम्पल इंस्पेक्शन का, कि जो भी सैम्पल है उनको इंस्पेक्ट किया जाए और प्रोड्यूस किए जाए स्टैटिस्टिकल टेबल, जिससे कि क्वालिटी कंट्रोल में हेल्प मिलेगी। अभी हम क्वालिटी कंट्रोल पढ़ेंगे यूनिट 4 में। और हैथोन एक्सपेरिमेंट बाय मायो के द्वारा भी हैथोन एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें इम्पोर्टेंस दी गई ह्यूमन एलिमेंट को और इनफॉर्मल ग्रुप्स को। इनफॉर्मल मतलब पर्सनली जो एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ऐसे ग्रुप्स, ऐसे लोगों का ग्रुप्स, उन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई ताकि प्रोडक्टिविटी रेज की जाए। फिर डगलस और मैकग्रेगर, यू नो डगलस मैकग्रेगर ने भी थ्योरी दी एक्स और वाई, हम जानते हैं, और मोटिवेशन थ्योरी थी ये एक्स और वाई। उसके बाद मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये सब आया। तो एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन प्रोडक्शन एरिया वाज ऑपरेशन रिसर्च ड्यूरिंग 1900। तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई प्रोडक्शन एरिया में, वो जो थी ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर, एंड इट हेल्प्ड इन डेवलपिंग मैथमेटिकल मॉडल्स बने ताकि जो ऑप्टिमाइजेशन आ पाए, हम रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर पाए, हमारी जो सिस्टम अप्रोच है और रिसोर्सेज का एलोकेशन हो पाए, उसमें ऑप्टिमाइजेशन आए, शेड्यूलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, लोकेशन एंड लेआउट प्रॉब्लम्स जो थी फैसिलिटीज़ की, तो उसमें उसके लिए मैथमेटिकल मॉडल्स आए ताकि जो है ऑप्टिमाइजेशन आ पाए। तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए वैल्यू इंजीनियरिंग हेल्प टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो इंजीनियरिंग की भी हेल्प ली गई ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक ऑफ पर्ट और CPM, ये जो टेक्निक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, PERT एंड CPM, 1958 में इन्होंने भी यू नो गेव एन इफेक्टिव टूल ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट, ताकि जो है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी प्लानिंग करना, उनको यू नो ताकि उनकी कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। तो ये भी एक इफेक्टिव टूल साबित हुए ये जो टेक्निक्स है पर्ट और CPM की। और इन दी 50s एंड 60s प्रोडक्शन वाज यूज्ड एज अ सेपरेट फंक्शन। तो 50s और 60s प्रोडक्शन में जो है इसको यूज़ किया गया एक सेपरेट फंक्शन की तरह प्रोडक्शन मैनेजमेंट को, कि ये एक अलग कार्य है। द एंट्री ऑफ सर्विस सेक्टर इन टू प्रोडक्शन मैनेजमेंट मेड इट ऑपरेशन मैनेजमेंट। जब सर्विस सेक्टर की एंट्री हो गई प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, तब ये बन गया ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो सिस्टम अप्रोच केम ड्यूरिंग 70s, सिस्टम अप्रोच आई 70s के दौरान,
और वेयर ऑर्गेनाइजेशन वॉज ट्रीटेड एज अ होल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सब सिस्टम. तो जब ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से ट्रीट किया गया एक यू नो सेवरल सब सिस्टम के तौर पे, कंप्यूटर साइमुलेशन हुआ, कंप्यूटर डिजाइनिंग की जाने लगी, मैन्युफैक्चरिंग की जाने लगी कंप्यूटर का यूज़ करके, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम CMS आया. तो ये कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा यू नो की जा रही हैं ताकि फ्यूचर में और ज़्यादा इसका यूज़फुल बन सके ये. तो ये था इवोल्यूशन. अब हम बात करेंगे नेचर की प्रोडक्शन मैनेजमेंट के. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के नेचर की बात करेंगे. नंबर वन कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, फीचर बोल सकते हैं, नेचर बोल सकते हैं. नंबर वन बात करेंगे रिजल्ट इन वैल्यू एडिशन. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक की टूल है जो ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करता है, उसकी हेल्प करता है वैल्यू एडिशन में. तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अनेबल करता है ताकि हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुएं बाय परचेजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द राइट सोर्स. की हमें बताता है, इसकी वजह से हमें असिस्टेंस मिलती है मैनेजमेंट को कि हमको राइट सोर्स से रॉ मटेरियल खरीदना चाहिए, राइट फॉर्म में खरीदना चाहिए, राइट प्राइस पे खरीदना चाहिए, राइट क्वांटिटी में खरीदना चाहिए. तो दीज क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड बेटर सेटिस्फेक्शन, है ना. अगर हम क्वालिटी गुड्स यूज़ करेंगे तो उससे कस्टमर्स को हम बेटर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा पाएंगे और अपने ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को इम्प्रूव कर पाएंगे. तो इसीलिए पहला जो नेचर है वो रिजल्ट इन वैल्यू एडिशन है. उसके बाद नंबर टू आता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स. यानी कि इसको काफ़ी विषयों से निकाला गया है, काफ़ी काफ़ी सब्जेक्ट से इसको हमने डिराइव किया है. वो डिफरेंट सब्जेक्ट क्या है? स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, सोशियोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है. तो ये सारे सब्जेक्ट्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया प्रोडक्शन मैनेजमेंट अप्रोच की डेवलपमेंट में. तो इसीलिए इसको बोला गया है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है बिकॉज ये काफ़ी सारे डिसिप्लिन से निकल करके आया है. नंबर थ्री पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट. प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो जनरल मैनेजमेंट का पार्ट है, एक एसेंशियल कंपोनेंट बताया गया है इसको जनरल मैनेजमेंट का. ये एक ऐसा टूल है जो मैनेजर्स को हेल्प करता है ताकि वो प्लान कर पाएँ, ऑर्गेनाइज कर पाएँ, कोऑर्डिनेट कर पाएँ, कंट्रोलिंग कर पाएँ सभी एक्टिविटीज़ को जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है. उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बोला गया है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट्स में. तो ये एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है ताकि कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम कर पाएँ, है ना, उन फिनिश प्रोडक्ट्स को. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट फोकस करता है इकोनॉमिकल प्रोडक्शन को ताकि हमारा वेस्टेज कम हो, हमारी कॉस्ट कम आए. तो इसीलिए इसको बोला गया है एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है. ऑपरेटिव फंक्शन बोला गया है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो एक ऑपरेटिव फंक्शन है. क्यों? प्रोडक्शन मैनेजमेंट मॉनिटर करता है डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस को, देखता है, निगरानी रखता है ताकि लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी बनी रहे. ये एक तरीके से प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करता है, डेली बेसिस पर चेकआउट करता है कि सारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे. प्रोडक्शन मैनेजमेंट को आर्ट एंड साइंस बोला गया है कि इट कैन बी ट्रीटेड बोथ एज एन आर्ट एंड एज वेल एज साइंस. प्रोडक्शन मैनेजमेंट को आर्ट इसलिए बोला गया है कि ये एक ऐसा है, इट इज़ द वन विच असाइन कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर ऑल दी वर्क एक्टिविटी. आर्ट इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये एक तरीके से सभी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मॉनिटर करता है ऑर्गेनाइजेशन की. और साइंस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सभी मशीन एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स को क्या करता है, मैनेज करता है, इसीलिए इसको साइंस भी बोला गया है. उसके बाद बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर. तो बोला गया है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके का सर्विस सेक्टर का मैनेजमेंट है. तो बोला गया है प्रोडक्शन मैनेजमेंट नॉट ओनली मैनेज द एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ टैंजिबल प्रोडक्ट, क्योंकि हम जानते हैं जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं लाइक टैंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए ही ध्यान नहीं देता बल्कि सर्विसेज पे भी फोकस करता है. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो मॉनिटर करता है सर्विस सेक्टर को भी, क्योंकि हम जानते हैं सर्विसेज क्या होती है, इनटेंजिबल होती हैं, तो इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स पे भी ये ध्यान देता है. तो ये था नेचर. अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट की. तो क्या स्कोप है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का? नंबर वन फैसिलिटी लोकेशन. तो फैसिलिटी लोकेशन इट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग द राइट लोकेशन फॉर सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटी. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है क्या करता है, राइट लोकेशन सिलेक्ट करता है ताकि हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप हो पाए हमारे बिजनेस के लिए जो
एक तरीके से लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट करेंगी। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन। तो ये एक तरीके का इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो लिया जाता है, एज इट इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट हम लगाते हैं लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी में। तो लोकेशन ऑफ फैसिलिटी शुड बी अप्रोप्रिएट। आपकी लोकेशन ऑफ फैसिलिटी बहुत अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, जहाँ पे आपके रॉ मटेरियल, लेबर आसानी से आपको मिल जाए, सभी फैक्टर्स जो भी हमारे प्रोडक्शन के होते हैं वो आपको ईजिली एक्सेसिबल हो जाए। तो इसीलिए फैसिलिटी लोकेशन, एकदम राइट लोकेशन को यू नो सिलेक्ट करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्या प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो दूसरी बात बात करेंगे प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग का भी इसका स्कोप है, कि पहले तो ये लोकेशन भी सेटअप करता है, मतलब राइट लोकेशन चुनता है। दूसरा प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। तो प्लांट लेआउट इज कंसर्न्ड विद फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटी, कि आपकी फैसिलिटी कहाँ होगी फिजिकली, और इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग डिपार्टमेंट। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि आपको डिपार्टमेंट डिसाइड करने हैं, आपका वर्क सेंटर क्या होगा, आपकी मशीन्स क्या होंगी और नेसेसरी चीज़ें क्या होंगी, नेसेसरी इक्विपमेंट क्या होंगी जो आपकी फैसिलिटी में होंगी, ताकि बेटर प्रोडक्टिविटी इंश्योर हो पाए। मटीरियल हैंडलिंग की बात करें तो मटीरियल हैंडलिंग का मतलब है मैनेजिंग द मूवमेंट ऑफ मटीरियल, कि मटीरियल की मूवमेंट पे फोकस किया गया है, कि स्टोर रूम से मशीनरी तक मटेरियल कैसे जाएगा, एंड फ्रॉम मशीनरी टू अनदर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल कैसे मूव करेगा, लाइक पैकेजिंग एंड स्टोरिंग। तो मटेरियल हैंडलिंग का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो मूवमेंट ऑफ मटेरियल। तो प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग भी इसका स्कोप है, किसका, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की बात करें तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का मतलब है शेप देना टू दी आइडियाज ऑफ प्रोडक्ट फॉर कन्वर्टिंग दैम इन टू रियलिटी, कि आपका प्रोडक्ट दिखेगा कैसे, एक तरीके से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना। एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड कम अप विद इनोवेटिव प्रोडक्ट इन मार्केट। हम जानते हैं इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने की कोशिश करनी चाहिए, करते हैं ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में, न्यू आइडियाज़ होने चाहिए आप बेस्ड ऑन मार्केट रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में भी जो है करता है, एक तरीके से प्रोडक्ट के यू नो शेप देता है, आइडियाज़ ऑफ प्रोडक्ट को। डिज़ाइनिंग ऑफ प्रोसेस की बात हो रही है, पहला हमने पढ़ा प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, अब हम प्रोसेस डिज़ाइनिंग की बात कर रहे हैं, कि ये जो प्रोसेस चलेगा इसको कैसे डिज़ाइन किया जाएगा। तो प्रोसेस डिज़ाइनिंग इज़ एन ओवरऑल रूट फॉलोड बाय बिजनेस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। अब देखो, आप रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ये जो पूरा इतना लंबा प्रोसेस होगा, ये किस तरीके से आप डिज़ाइन करोगे, किस तरीके का वो प्रोसेस होगा, कौन से स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे, तो इट इज़ अ क्रूशियल डिसीज़न। ये बहुत यू नो क्रूशियल डिसीज़न होता है, कि इट डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। इसी से ही तो पता लगेगा कि हमारा बिजनेस कितना एफिशिएंट है, तो ये एक तरीके से एफिशिएंसी को डिटरमाइन करता है। इट इन्वॉल्व चूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, आपको अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, आपको सीक्वेंस डिसाइड करना है कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे चलेंगे, कैसे प्रोडक्शन करेंगे, तो ये डिज़ाइन भी करता है। उसके बाद पीपीसी की बात करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की। तो इट इन्वॉल्व प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, यहाँ पे हम प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं जो भी हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है उनका। पीपीसी एक प्रोसेस है जिसमें हम डिसाइड करते हैं प्रोडक्शन को, एडवांस में ही हम पहले से ही डिसाइड करके चलते हैं कि हमारा एग्जैक्ट रूट क्या होगा, हम किस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारे चलेंगे। उसके बाद डिसाइडिंग द स्टार्ट एंड फिनिश डेडलाइन क्या होगी हर प्रोडक्ट की, और इससे क्या होगा, एक तरीके से हमें डायरेक्शन मिलेगी, ताकि हम जो है प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और इसी से ही जो है हम अपने जो है ऑर्डर को अकम्प्लिश कर पाएंगे और बेसिकली प्रोग्रेस हो पाएगी। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल भी इसका एक स्कोप है। क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चेक करते हैं, मेंटेन करते हैं जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये इंश्योर करता है दैट गुड्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ हाई क्वालिटी, कि जो भी गुड्स बनाए जाएंगे वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए, बाय सेटिंग अप चेक पॉइंट्स। इसमें चेक पॉइंट सेटअप किए जाते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है टाइम टू टाइम। उसके बाद मेंटेनेंस मैनेजमेंट, तो इट रेफर्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। तो मेंटेनेंस मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके से सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ को की इवैल्यूएशन करना, ताकि आइडेंटिफाई करना, फॉर आइडेंटिफाइंग एनी डेविएशन इफ देयर, कि अगर कोई किसी भी प्रकार का डेविएशन आ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई कमी आ रही है, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। तो मेंटेनेंस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है कि हम वो सभी करेक्टिव स्टेप्स लें
ताकि उन डेविएशंस को हम रिमूव कर पाएं, जो भी कमियां आ रही हैं उनको हम रिमूव कर पाएं। तो ये फोकस करता है कि सभी जो भी प्रोसेस हैं वो ऑन ट्रैक हों, लाइन में चलें विद डिसाइडेड क्वालिटी और प्री डिटरमाइंड कोर्स, यानी कि हमारी जो कोर्स है हम पहले से ही डिसाइड करके चलते हैं, हमारा शेड्यूल क्या रहेगा वो हम डिसाइड करके चलते हैं, टाइम रेंज क्या रहेगी, तो हम इन सभी का ध्यान रखना है। तो टेकिंग केयर ऑफ ऑल मशीनरी रिपेयर्स का भी ध्यान रखना है, रिप्लेसमेंट एंड सर्विसिंग आर इंक्लूडेड इन दिस। तो ये थे नेचर स्कोप एंड कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है। अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक जो कि है प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो बात करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस प्लानिंग एंड एनालिसिस की। तो बोला गया है एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एनालिसिस एंड प्लानिंग आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस डिज़ाइन। कि बात हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस की, तो बोला गया है कि प्रोडक्शन प्रोसेस एनालिसिस और जो प्लानिंग हम जब करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस की, तो ये जो है प्रोसेस डिज़ाइन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सिलेक्शन है। किसका सिलेक्शन? इनपुट्स का, ऑपरेशन का, वर्क फ्लोस का एंड मेथड्स का, कि किस तरीके से हमको गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या इनपुट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, तो इस चीज़ का ये सिलेक्शन है। तो इनपुट सिलेक्शन का मतलब क्या? इनपुट सिलेक्शन में क्या इंक्लूड होता है? कि हमको ह्यूमन स्किल्स चूज़ करनी है, कि हमें किस तरीके की ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत है, रॉ मटेरियल्स क्या रहेंगे एंड इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ होंगे, कंसिस्टेंट विद एन ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी एंड इट्स एबिलिटी टू अटेन दिस रिसोर्सेज। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी के साथ होता है एंड ऑर्गेनाइजेशन की जो एबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है कि हमारे रिसोर्सेज किस टाइप के होंगे। तो ऑपरेशन मैनेजर मस्ट डिटरमाइन विच ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड बाय वर्कर। तो ऑपरेशन मैनेजर को ये डिटरमाइन करना ही पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेशन, कौन सा कार्य वर्कर्स के द्वारा होगा और कौन सा कार्य मशीन्स के द्वारा होगा। तो दे ऑल्सो डिटरमाइन द ट्रांसफॉर्मेशन दैट विल बी यूज टू कंबाइन मैन एंड मशीन। तो वो ये भी डिटरमाइन करेंगे कि ऐसा कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें मैन और मशीन दोनों की ही ज़रूरत है कंबाइन। तो प्रोसेस डिज़ाइन और रीडिज़ाइन डिसीजन लिए जाते हैं जब एक न्यू या फिर सब्सटेंशली मॉडिफाइड प्रोडक्ट ऑफर होती है तब, और कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज़ अगर चेंज हो जाती हैं तो हमें प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करना पड़ता है। डिमांड वॉल्यूम फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इज अंडर गोइंग अ चेंज हो रही है डिमांड। करंट परफॉर्मेंस जो है वो पर्याप्त नहीं है, करंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। कंपेटिटर्स आर गेनिंग अ कंपैरेटिव एडवांटेज बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोसेसेस। जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो अलग अलग टाइप की डिफरेंट प्रोसेस अपनाकर कॉम्पिटिटिव गेन कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमसे आगे निकल रहे हैं। द कॉस्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट हैज़ चेंज, और ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स या फिर उनकी जो कॉस्ट है वो अब चेंज हो गई है। तो इन सिचुएशंस में हमको प्रोसेस डिज़ाइन करना पड़ता है, प्रोसेस को फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ता है और इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं। मीनिंग की बात करें तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड टास्क है कि हम जो है इनपुट एंड आउटपुट के साथ जो है उनके क्या टास्क रहेंगे, तो उस तरीके का ये प्रोसेस होता है। प्रोसेस एग्जिस्ट टू क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर। कि प्रोसेसेस का मतलब क्या है? कि हमारा प्रोसेस कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि वैल्यू क्रिएट हो। कस्टमर अगर हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीद रहा है तो कस्टमर को वैल्यू बेनिफिट ज़रूर होना चाहिए, शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट करना, सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट करना। तो इट इज़ द प्रोसेस डिज़ाइन दैट डिफाइन एज टू व्हाट टास्क नीड टू बी डन। तो ये प्रोसेस डिज़ाइन ही होता है जो हमको बताता है कि हमको कैसे कार्य करना है, किस तरीके से हमको टास्क को परफॉर्म करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है फंक्शंस के बीच, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच। तो अ लार्ज स्केल बिजनेस प्रोसेस सच एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, तो ये सारे क्या हैं? लार्ज स्केल बिजनेस प्रोसेसेस में जैसे हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, ऑर्डर की फुलफिलमेंट करने हमारे ऑर्डर आए हैं उनको फुलफिल करना होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है हमारा, कस्टमर सर्विस, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, एनालाइजिंग, ये सब क्या हैं? ऑपरेशन मैनेजमेंट के एसेंस हैं। ठीक है, प्रोसेस स्ट्रैटेजी की बात करें तो प्रोसेस स्ट्रैटेजी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल अप्रोच।
तो बोला गया है कि प्रोसेस स्ट्रेटजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल अप्रोच है फॉर फिजिकली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज. तो प्रोसेस डिसीजन शुड रिफ्लेक्ट एज टू हाउ द फर्म हैज चूज टू कम्पीट इन द मार्केट प्लेस. तो प्रोसेस डिसीजन को इस बात पे रिफ्लेक्ट डालना चाहिए कि कैसे एक फर्म जो है चूज करेगी, कम्पीट करेगी मार्केट प्लेसेस में, री इन्फोर्स करेगी प्रोडक्ट डिसीजंस को, एंड कैसे वो अपने कॉरपोरेट गोल्स को अचीव करेगा. अ फर्म्स प्रोसेस स्ट्रेटजी डिफाइन इट्स कैपिटल इंटेंसिटी, प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड कस्टमर इन्वॉल्वमेंट. तो फर्म की जो प्रोसेस स्ट्रेटजी है वो डिफाइन करती है कैपिटल इंटेंसिटी को, प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी को, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड कस्टमर इन्वॉल्वमेंट. तो कैपिटल इंटेंसिटी क्या, कैपिटल इंटेंसिटी का मतलब मिक्स ऑफ कैपिटल एंड लेबर रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में. तो और बोला गया ये जो अभी हमने चार टर्म्स पढ़ी, कैपिटल इंटेंसिटी, प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, वर्टिकल इंटीग्रेशन एंड कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, इन्हीं के बारे में हमें डिटेल दी गई है. तो बात करेंगे सबसे पहले कैपिटल इंटेंसिटी क्या होता है. कैपिटल इंटेंसिटी होता है मिक्स ऑफ कैपिटल एंड लेबर रिसोर्सेज, कि हम कैसे कैपिटल और लेबर को यू नो लेंगे एंड यूज़ करेंगे जो भी हमारे यूज़ होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में. तो इट इज़ द मिक्स ऑफ इक्विपमेंट एंड ह्यूमन स्किल्स. ये एक तरीके का मिक्स होता है इक्विपमेंट का भी और ह्यूमन स्किल्स का भी प्रोडक्शन प्रोसेस में. तो ग्रेटर द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट द ग्रेटर इज़ द कैपिटल इंटेंसिटी. जितना ज़्यादा हमारा ग्रेटर कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट होगा उतने ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिटी होगी. तो ये था कैपिटल इंटेंसिटी के बारे में. अब बात करेंगे प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में. तो प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी होना. तो प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द ईज विद विच रिसोर्सेज कैन बी एडजस्टेड इन रिस्पॉन्स टू चेंज. फ्लेक्सिबल, कोई चीज़ फ्लेक्सिबल है, इट मीन्स कि अगर कोई चेंज आ जाता है तो हम अपने डिसीजन को क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, अगर वो फ्लेक्सिबल है तो हम उसको ईजिली चेंज कर पाएंगे. तो यही बोला गया है कि प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई चेंज आ गया डिमांड में, टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में, तो हमारा जो है प्रोसेस फ्लेक्सिबल होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग. तो रिसोर्सेज फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द केस विद विच इक्विपमेंट एंड एम्प्लॉय कैन हैंडल, ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो हैंडल कर पाएँ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट लेवल्स को, ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस को, कि अगर कोई दिक्कत भी आ जाए तो हमारा प्रोसेस जो है उसे अफेक्ट ना हो. तो प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. वर्टिकल इंटीग्रेशन इज टू डू विद द एक्सटेंट टू विच द फर्म विल प्रोड्यूस द इनपुट एंड कंट्रोल आउटपुट ऑफ ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. तो बोला गया है वर्टिकल इंटीग्रेशन किया जाता है किस एक्सटेंट तक, विच द फर्म विल प्रोड्यूस द इनपुट एंड कंट्रोल आउटपुट ऑफ ईच स्टेज. तो उस एक्सटेंट तक जहाँ तक फर्म जो है इनपुट या फिर यू नो आउटपुट को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, कंट्रोल कर रही है हमारे हर स्टेज पे प्रोडक्शन प्रोसेस के. तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन जो होता है ये एक तरीके की डिग्री होता है टू विच अ फर्म्स ओन प्रोडक्शन सिस्टम हैंडल द सप्लाई चेन. मतलब एक फर्म की खुद की प्रोडक्शन सिस्टम को हैंडल करने की ये होती है द सप्लाई चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल कंज्यूमर. तो मोर अ फर्म्स प्रोडक्शन सिस्टम मैनेज द सप्लाई चेन द ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन. तो जितनी ज़्यादा एक फर्म के प्रोडक्शन सिस्टम जो है मैनेज कर पाएगा सप्लाई चेन को, उतनी ही ज़्यादा उसकी वर्टिकल इंटीग्रेशन की डिग्री होगी. कस्टमर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो द रोल ऑफ द कस्टमर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस है ये, कि कस्टमर का क्या रोल है प्रोडक्शन प्रोसेस में. इट रिफ्लेक्ट एज टू हाउ मच एंड इन वॉट वेज कस्टमर बिकम अ पार्ट. तो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट से हमें समझ में आ गया कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में कस्टमर का क्या रोल रहेगा और कितने और कैसे जो है कस्टमर हमारा इसका पार्ट बनेगा. अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के पार्ट्स टाइप्स की. तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम गिवन है, वो डायग्राम देखिए. प्रोडक्शन प्रोसेस दो भागों में डिवाइडेड है, इंटरमिटेंट प्रोडक्शन और फ्लो प्रोडक्शन. इंटरमिटेंट में हमारे तीन टाइप के आते हैं, प्रोजेक्ट, जॉब प्रोडक्शन और बैच. फ्लो प्रोडक्शन में हमारा आता है मास प्रोडक्शन, प्रोसेस प्रोडक्शन, असेंबली लाइंस. तो बात करेंगे सबसे पहले, देयर कैन बी मैनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन. ए प्रोडक्शन मैनेजर विल हैव टू चूज एन अप्रोप्रिएट मेथड फॉर हिज यूनिट. हम जानते हैं बहुत सारे टाइप के हमारे प्रोडक्शन होते हैं और प्रोडक्शन मैनेजर को चूज़ करना पड़ता है सही मेथड अपनी यूनिट के लिए.
तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड दी क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। तो आपके प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, आपका प्रोडक्ट कैसा है और आपको कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करना है, इसको आपने ध्यान में रखना है जब आप एक पर्टिकुलर मेथड को चूज कर रहे हो। तो बात करेंगे दोनों मेथड्स की, इंटरमिटेंट प्रोडक्शन एंड फ्लो प्रोडक्शन। तो बात करेंगे नंबर वन इंटरमिटेंट की। तो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन क्या होता है? इंटरमिटेंट प्रोडक्शन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर प्रोडक्शन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिफॉर्म नहीं होता, द प्रोडक्ट चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। देयर इज़ दस नो सिंगल प्रोसीजर, यहाँ पे कोई सिंगल प्रोसीजर है ही नहीं। एंड द फैसिलिटीज़ आर फ्लेक्सिबल इनफ, और आपकी फैसिलिटी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए तभी आप चेंजेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर पाएंगे। तो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिचुएशन आर दोज वेयर दी फैसिलिटी मस्ट बी फ्लेक्सिबल। तो इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिचुएशन एक ऐसी होती है जहाँ पे आपकी फैसिलिटीज़ जो हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो हैं, वो क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ताकि अगर कोई चेंज आता रहा, क्योंकि ये वही है ना, चेंज आते रहते हैं, तो उसको हैंडल कर पाएँ। इनफ टू हैंडल ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड साइजेस और वेयर द बेसिक नेचर ऑफ द एक्टिविटी इम्पोजेज चेंज, कि चेंजेस आ रहा है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनपुट। तो अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसको फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही लिखा हुआ है, इस पर कुछ भी नई बात नहीं है। इंटरमिटेंट प्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे, लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन का वॉल्यूम कम होता है, और फ्रीक्वेंटली चेंजिंग सेटअप होते हैं यहाँ पे, क्योंकि चेंजिंग आते रहते हैं तो इसीलिए हर बार, मतलब लगातार बोल सकते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। फ्लो ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं होता, कंटिन्यूसली नहीं चलता। यूज़ ऑफ जनरल पर्पज़ मशीन एंड फैसिलिटी, तो जनरल पर्पज़ के लिए होती है, उसी का यूज़ होता है। अब यहाँ पे हमें कुछ टाइप्स बताए गए हैं इंटरमिटेंट प्रोडक्शन के। तो नंबर वन है प्रोजेक्ट, नंबर टू है जॉब प्रोडक्शन, नंबर थ्री है बैच प्रोडक्शन। तो ये हमारे तीन टाइप के इंटरमिटेंट प्रोडक्शन के अंतर्गत आएंगे। तो प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट में बी डिफाइंड एज अ प्लान फॉर अंडरटेकिंग इन्वॉल्विंग ह्यूज कॉस्ट एंड टाइम। भाई किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोजेक्ट को आप बोल सकते हो ये एक ऐसा प्लान है अंडरटेकिंग के लिए जिसमें ह्यूज कॉस्ट, बड़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, टाइम लगता है। अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो प्रोजेक्ट रेफर्स टू अ वन टाइम मेजर टास्क, सच एज एक तरीके का वन टाइम मेजर टास्क होता है, लाइक कंस्ट्रक्शन करनी है आपको, शिप बिल्डिंग करनी है, इरेक्शन ऑफ प्लांट करना है। तो ये क्या है? प्रोजेक्ट के उदाहरण है। प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी डील करती है प्रोडक्ट्स की दैट आर टेलर्ड टू यूनिक कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। मतलब कहने का ये मतलब है, प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। एज दे केटर टू यूनिक कस्टमर रिक्वायरमेंट द प्रोडक्ट आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट है वो यूनिक होते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टैंडर्डाइज नहीं होते, मतलब उसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं होता कि जिससे आप उसको कंपेयर कर पाएँ। तो प्रोसेस मस्ट बी फ्लेक्सिबल, प्रोसेस आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो रिसोर्सेज जो भी होते हैं प्रोजेक्ट के, उनको हम नए प्रोजेक्ट में रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो की फीचर क्या है प्रोजेक्ट टाइप इंडस्ट्री का, कि रिसोर्सेज जो होते हैं ना, लाइक मैन, मटेरियल, इक्विपमेंट, वो लोकेशन पर लाए जाते हैं जहाँ पे उस प्रोडक्ट को हमको बनाना है, और वेरियस टेक्निक सच एज प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट, बार चार्ट, नेटवर्क एनालिसिस, पर्ट एंड CPM, ये सारे हेल्प कर होती है इसमें, ताकि प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए टाइम पर और मिनिमम कॉस्ट पर, जो भी हमने कॉस्ट डिसाइड करी है उस कॉस्ट तक। तो प्रोजेक्ट हमें बिल्कुल क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्रोजेक्ट एक वन टाइम टास्क है जिसको आप रिपीट नहीं करते एग्जैक्टली इन द सेम मैनर। लाइक अगर आपको एक प्रकार की बिल्डिंग बनानी है तो ज़रूरी थोड़ी ना बिल्कुल सेम वैसी दूसरी भी बनानी हो, तो अलग अलग टाइप की बिल्डर बिल्डिंग बनाता है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर वन टाइम टास्क होता है और रिपीट नहीं होता एग्जैक्टली सेम मैनर में। प्रोजेक्ट हैज़ टू बी कम्प्लीटेड इन अ टाइम बाउंड शेड्यूल, आपको टाइम के अकॉर्डिंग इसको कम्प्लीट करना पड़ता है। और एक बार जब प्रोजेक्ट कम्प्लीट होता है तो रिसोर्सेज जो भी होते हैं, लाइक मैन, मटेरियल, मशीन, उसको हम नए प्रोजेक्ट में फिर डिप्लॉय कर देते हैं, मतलब दूसरे प्रोजेक्ट में। एंड उसके बाद रिसोर्सेज एंड स्किल्स आर ऑफ डाइवर्सिफाइड नेचर। रिसोर्सेज और स्किल्स है वो एक तरीके के बोल सकते हैं डाइवर्सिफाइड नेचर के होते हैं। किसी प्रोजेक्ट में आपको किसी टाइप की स्किल चाहिए, किसी प्रोजेक्ट में आपको किसी टाइप के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्रोजेक्ट में भी स्मॉल, मीडियम, लार्ज, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टास्क इन्वॉल्व। तो प्रोजेक्ट आपका
स्मॉल भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लार्ज भी होता है। ये किस पे डिपेंड करता है कि हमें कितना काम करना पड़ेगा, कितने टास्क हमको, कितने नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, इस चीज़ पे डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट का साइज। इट इन्वॉल्व फ्लेक्सिबल ऑपरेशन एंड सो द प्रोसेस इज बेनिफिशियल इन फिटिंग वैरिड सिचुएशन। तो प्रोजेक्ट जो है वो एक तरीके का बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल ऑपरेशन होता है, ताकि प्रोजेक्ट जो है वो बेनिफिशियल हो, अगर सिचुएशन चेंज भी हो रही हो तो उसमें उसके लिए भी बेनिफिशियल हो। डिसएडवांटेज की बात करें तो प्रोजेक्ट की कुछ डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, नंबर ऑफ लिमिटेशंस से सफ़र करना पड़ता है प्रोजेक्ट को। नंबर वन, प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग, एज द प्रोजेक्ट मैनेजर मे नॉट हैव एब्सोल्यूट अथॉरिटी फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, ही मे बी फेस्ड विद प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, मैन पावर एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, लिमिटेशन है कि प्रॉब्लम आ सकती है डिसीजन मेकिंग की, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर को अगर पूरी तरीके से अथॉरिटी ना दी जाए कंप्लीट करने की प्रोजेक्ट को, तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है ना, कि वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। ही मे बी फेस विद प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, उसको फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको मैन पावर की प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई मैन पावर नहीं मिल रही जिस तरीके की हमको चाहिए। तो देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं ड्यू टू दी अनसर्टेनिटी इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में अगर अनसर्टेनिटी हुई तो इससे, तो प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट में फील इनसिक्योर, जो प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो इनसिक्योर फील कर सकते हैं रिगार्डिंग देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। एक बार जो है अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, भाई देखो एक बार कंप्लीट हो गया तो भाई फ्यूचर में मिले ना मिले प्रोजेक्ट, इसीलिए इनसिक्योरिटी होती है। प्रोजेक्ट नॉर्मली टेक लॉन्ग टाइम टू फिनिश, बहुत लंबा समय लगता है इसको फिनिश होने में, एंड देयर मे बी एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन एंड अमंग द स्पेशलिस्ट, उनके बीच में कोई मोटिवेशन भी नहीं होता। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। बात करेंगे जॉब प्रोडक्शन की, तो जॉब प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है प्रोसीजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक कस्टमर ऑर्डर, हमने पढ़ा हुआ है। जॉब क्या है, जॉब इन द सेंस कि हम कस्टमर के अकॉर्डिंग काम करेंगे, हम कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, कस्टमर जैसा चाहता है उस टाइप की जॉब होगी, उस टाइप का काम होगा। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड आर जनरली नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, यहाँ पे हेट्रोजीनियस होते हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। इट यूजुअली रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ कॉम्पोनेंट टू अ लार्ज मैनुफैक्चरर, द प्रोविजन ऑफ वन पर्टिकुलर एरिया ऑफ प्रोडक्शन टू अ लार्जर वन, मेकिंग ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट। तो ये सब इसके क्या है कि भाई सप्लाई करनी है कॉम्पोनेंट्स की और स्पेशल इक्विपमेंट या मटीरियल बनाना है। तो मैनुफैक्चर ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एज वन ऑपरेशन, तो अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो तो इसको एक वन ऑपरेशन बोला जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ मटीरियल पार्ट्स एंड कॉम्पोनेंट, इसका मतलब क्या है कि हम मटीरियल पार्ट्स कॉम्पोनेंट्स इनको हम एक साथ ला रहे हैं ताकि हम उनको असेंबल कर पाएँ, एंड कमीशन अ सिंगल पीस ऑफ इक्विपमेंट, हम एक सिंगल पीस ऑफ इक्विपमेंट या प्रोडक्ट को बना पाएँ। शिप बिल्डिंग, डैम कंस्ट्रक्शन, ब्रिज बिल्डिंग, बुक प्रिंटिंग, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल हैं जॉब प्रोडक्शन के। शिप बिल्डिंग हो गया, डैम की कंस्ट्रक्शन हो गई, ब्रिज बनाना हो गया, बुक प्रिंटिंग हो गई, ये सब जॉब प्रोडक्शन के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वाइड रेंज ऑफ जनरल पर्पस मशीन की ज़रूरत होगी, वाइड रेंज ऑफ वर्कर कंजर्वेंट विद डिफरेंट जॉब्स विल हैव टू बी एम्प्लॉयड, वर्कर्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी। और देयर मे बी वेरिएशंस इन प्रोडक्शन, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं प्रोडक्शंस में। देयर इज़ अ नीड टू हैव फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो फाइनेंस स्टार्ट डिसाइड किया, ज़रूरी नहीं है कि पैसा और भी ज़्यादा लग सकता है, इसीलिए फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग होनी ज़रूरी है। लार्ज इन्वेंट्री ऑफ मटीरियल पार्ट टूल इसमें रिक्वायर्ड होंगे, सेटिंग ऑफ मशीन इक्विपमेंट ये सब एडजस्ट किए जाने चाहिए या रीएडजस्ट करने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग की नीड्स के अकॉर्डिंग। मूवमेंट ऑफ मटीरियल थ्रू द प्रोसेस इज इंटरमिटेंट, तो ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। लिमिटेशन की बात करें तो जॉब प्रोडक्शन की कुछ लिमिटेशन है, पहली द एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन में नॉट बी अचीव, क्यों, प्रोडक्शन इज डन इन शॉर्ट रन, यहाँ पे हमको लार्ज स्केल प्रोडक्शन की एडवांटेज नहीं मिलती क्योंकि हम प्रोडक्शन सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं। तो देयर इज एन इरेगुलरिटी इन डिमांड, ऑब्वियसली इन प्रोडक्ट की डिमांड भी इरेगुलर होती है, और देयर मे बी एन इनएफिशिएंट यूज ऑफ लेबर एंड इक्विपमेंट, यहाँ पे आपका लेबर एंड इक्विपमेंट ढंग से आप यूज़ नहीं कर सकते। साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ कॉस्ट इज डिफ़िकल्ट अंडर दिस मेथड, तो कॉस्ट भी यहाँ पे असेस करनी डिफ़िकल्ट होती है। बात करेंगे बैच प्रोडक्शन की, तो बैच प्रोडक्शन पर्टेट टू अ रिपीटेटिव प्रोडक्शन बोला गया है इसको, लगातार रिपीट होने वाला।
ये ऐसा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है जहाँ पे क्वांटिटी हमको एडवांस में पता होती है कि हमको इतनी क्वांटिटी में बनाना है। तो बैच सिस्टम में वर्क को डिवाइडेड कर दिया जाता है ऑपरेशंस में, एंड एक ऑपरेशन जो है वो एक टाइम पर होता है। आफ्टर कंप्लीट द वर्क ऑन वन ऑपरेशन इट इज़ पास टू दी नेक्स्ट ऑपरेशन। जब एक काम एक ऑपरेशन हो गया तो हम उसी वर्क को आगे ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे ऑपरेशन में, ताकि जब तक प्रोडक्ट कंप्लीट ना हो जाए। तो बैच प्रोडक्शन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि एक कंपनी को मैन्युफैक्चर करने हैं 50 इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो कंपनी चाहती है 50 इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाना, तो वर्क जो है वो डिवाइडेड हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस में। पहला ऑपरेशन हो सकता है कंप्लीट हो इन द फर्स्ट बैच और अगला जो है नेक्स्ट ऑपरेशन में हो, तो सेकंड ग्रुप ऑफ ऑपरेटर विल कंप्लीट द सेकंड ऑपरेशन बिफोर पासिंग टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। जो प्रोडक्शन में सेम ऑपरेटर्स होते हैं, सेम ऑपरेटर्स विल मैन्युफैक्चर फुल मशीन, लेकिन जो बैच प्रोडक्शन होता है उसमें जो है बेनिफिट्स मिलता है हमको रिपीटेटिव प्रोडक्शन का, और प्रोवाइड द बैचेस ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी। तो इसीलिए बैच प्रोडक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो द मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट इन स्मॉल और लार्ज बैचेस में होता है। सीरीज होती है ये एक ऑपरेशंस की जिसमें लगातार काम चलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वर्क रिपीटेटिव होता है, फंक्शनल लेआउट होता है वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का। जब एक ऑपरेशन कैरिड आउट हो जाता है तो इसको नेक्स्ट ऑपरेशन में पास कर दिया जाता है। सिमिलर मशीन अरेंज की जाती है वन प्लेस पे। इट इज़ जनरली चूजन वेयर ट्रेड इज़ सीजनल। ये तब चूज होता है जब ट्रेड सीजनल हो। देर इज़ अ नीड टू प्रोड्यूस ग्रेट वेराइटी ऑफ गुड्स, और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस गुड्स की मतलब वेराइटी को क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना। मेरिट्स की बात करें तो फ्यूअर मशीन, यहाँ पे कम मशीन रिक्वायर्ड होती है और यहाँ पे मशीन का यूटिलाइजेशन बेटर तरीके से हो पाता है। स्पेशलाइज्ड सुपरविजन इज़ पॉसिबल, यहाँ पे सुपरवाइज भी हो कर सकते हैं। स्पेशलाइज वर्क इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर आपका वर्क स्पेशलाइज है तो इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड लोअर ओवरहॉल एक्सपेंस आपका कम हो जाएगा। और देर इज़ अ स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी का भी स्कोप है इक्विपमेंट और पर्सनल के रिस्पेक्ट में, पर्सनल इन द सेंस ह्यूमंस। इट गिव्स अ जॉब सेटिस्फैक्शन टू दी ऑपरेटिव्स, तो ये जॉब सेटिस्फैक्शन भी देता है। डीमेरिट की बात करें तो इट बिकम डिफ़िकल्ट टू डिसाइड अ प्रॉपर बैच लोड, तो ये डिफ़िकल्ट होता है एक प्रॉपर बैच लोड डिसाइड करना। डिसीजन अबाउट द सीक्वेंस ऑफ बैचेज इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, कि बैचेज का सीक्वेंस क्या रहेगा ये भी एक प्रॉब्लम होती है। मटीरियल हैंडलिंग लॉन्गर होती है काफ़ी, प्रोडक्शन टाइम जो है वो जनरली लंबा होता है। वर्क इन प्रोग्रेस टाइज अप लार्ज कैपिटल एंड स्पेस, जो वर्क इन प्रोग्रेस है उससे लार्ज कैपिटल लगती है, स्पेस ज़्यादा लगता है। इसमें आपको वैरायटी स्किल ऑफ हायर ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हमारा इंटरमीडिएट वाला कंप्लीट हो गया है, अब हम बात करेंगे फ्लो प्रोडक्शन प्रोसेस की। तो फ्लो प्रोडक्शन क्या है? फ्लो प्रोडक्शन को आप ऑनलाइन मास प्रोडक्शन या कंटिन्यूस प्रोडक्शन भी बोलते हो। इसका मतलब है प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल, यहाँ पे आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हो, यहाँ पे आप सप्लाई कंटिन्यूस रखते हो। फ्लो प्रोडक्शन इज़ दी मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट बाय अ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पे हर आर्टिकल जो है वो बनाया जाता है एज सून एज पॉसिबल। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज ब्रोकन इनटू सेपरेट ऑपरेशन, यहाँ पे हम अलग अलग ऑपरेशंस में बांट देते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। द प्रोडक्ट कंप्लीटेड एंड वन ऑपरेशन इज ऑटोमेटिकली पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट। तो एक बार एक ऑपरेशन कंप्लीट हो गया तो उसको नेक्स्ट ऑपरेशन में हम उसको पास कर देंगे जब तक कि प्रोडक्ट कंप्लीट तैयार ना हो जाए। तो देर इज़ नो टाइम गैप नहीं होता यहाँ पे बिटवीन दी वर्क डन एट वन प्रोसेस एंड द स्टार्टिंग एट द नेक्स्ट, तो इसीलिए गैप भी नहीं होता। फ्लो ऑफ प्रोडक्शन नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे फ्लो चलता ही रहता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ये प्रोग्रेसिव होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक्स यूनिट फ्लो फ्रॉम वन ऑपरेशन पॉइंट टू अनदर थ्रू आउट द होल प्रोसेस। मान लो एक यूनिट है जिसका नाम है एक्स, तो एक ऑपरेशन से पास होती हुई दूसरे ऑपरेशन पे जाएगी, दूसरे ऑपरेशन से पास होती तीसरे पे जाएगी, जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए, बनकर तैयार ना हो जाए। तो देयर विल बी वन टाइप ऑफ मशीन फॉर ईच प्रोसेस, वन टाइप की मशीन होती है हर प्रोसेस के लिए। प्रोडक्ट टूल मटेरियल मेथड्स स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। प्रोडक्शन किया जाता है डिमांड की एंटिसिपेशन के बेसिस पे कि कितनी डिमांड रहेगी, और प्रोडक्शन वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रहता है। मशीन सेटअप जो है वो अनचेंज होता है, यहाँ पे मशीन का सेटअप बिल्कुल वैसा ही सेम ही रहता है, इसमें चेंज नहीं होता।
एनी फॉल्ट इन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज इमीडिएटली करेक्टेड. कोई भी अगर फॉल्ट आता है तो हम उसको फटाफट से ठीक करते हैं, नहीं तो पूरा प्रोडक्शन बंद हो सकता है, इसीलिए हमको फटाफट ठीक करना होता है. सूटेबिलिटी की बात करें तो देयर मस्ट बी कंटिन्यूटी इन डिमांड. अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी डिमांड कॉन्टीन्यूसली है तो उसके लिए ये वाला मेथड अपनाया जाता है. प्रोडक्ट मटेरियल एंड इक्विपमेंट मस्ट बी स्टैंडर्डाइज. आपके ये सब चीज़ें स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए क्योंकि फ्लो लाइन जो है वो इनफ्लेक्सिबल होती है. ऑपरेशन शुड बी वेल डिफाइंड होना चाहिए. इट शुड बी पॉसिबल टू मेंटेन सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपको बनाने चाहिए. इट शुड बी पॉसिबल टू फाइंड टाइम टेकन एट इच ऑपरेशन सो दैट फ्लो ऑफ वर्क इज स्टैंडर्डाइज. मतलब टाइम टेकन कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा हर ऑपरेशन पे, एंड फ्लो ऑफ वर्क जो है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए. स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूस होने चाहिए. मेरिट्स की बात करें तो प्रोडक्ट इज स्टैंडर्डाइज एंड एनी डेविएशन इन क्वालिटी इज डिटेक्टेड एट दिस स्पॉट. मेरिट है कि अगर कोई डेविएशन आता है, क्वालिटी में कोई कमी आती है, उसको फटाफट से डिटेक्ट करके ठीक किया जाता है. तो देयर विल बी एक्यूरेसी इन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड क्वालिटी में भी एक्यूरेसी रहती है. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करता है. देयर इज़ नो नीड वर्क इन प्रोग्रेस बिकॉज प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली एक से दूसरी ऑपरेशन में पास हो जाता है. सिंस फ्लो ऑफ वर्क इज सिंप्लीफाइड देयर विल बी लेस नीड फॉर कंट्रोल. अगर वर्क बहुत सिंपल है तो यहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है. अगर कोई वीकनेस आती है तो उसको फटाफट से नोटिस किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है. देयर मे नॉट बी एनी नीड ऑफ कीपिंग वर्क इन प्रोग्रेस हैंड स्टोरेज इज रिड्यूस. क्योंकि यहाँ पे कीपिंग वर्क इन प्रोग्रेस की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज कम से कम होता है. डीमेरिट की बात करें तो एक मशीन अगर ख़राब हो गई तो आपके पूरे फ्लो ऑफ वर्क जो है अफेक्ट हो जाएगा. असेंबली लाइन यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं होती, डीमेरिट है ये. और अगर कोई डिज़ाइन में चेंज आता है तो आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे. नंबर थ्री, प्रोडक्शन स्पीड जो है वो डिटरमाइन होती है बाय दी स्लोवेस्ट मशीन. मशीन के अकॉर्डिंग मशीन की स्पीड क्या है, तो इट रिक्वायर्स जनरल रेदर स्पेसिफिक सुपरविजन. और दिस मेथड इज़ कैपिटल इंटेंसिव. यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड रहता है स्पेशल टाइप की मशीन हमें इंस्टॉल करनी होती है. अब हमें कुछ टाइप्स ऑफ फ्लो प्रोडक्शन बताए गए हैं. पहला टाइप है मास प्रोडक्शन. नाम से ही पता चल रहा है लार्ज स्केल का प्रोडक्शन है, कॉन्टीन्यूस सप्लाई करनी है, तो वही हमारा मास प्रोडक्शन है. प्रोडक्ट एंड प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन एग्जिस्ट करता है. ऑल आउटपुट फ्लो द सेम पाथ, जितने भी आउटपुट है वो सेम ही पाथ से फ्लो करते हैं. ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन इसका एक एग्जाम्पल है. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देयर इज़ अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस सीक्वेंस की ज़रूरत होती है, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन की. लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट होता है, फ्लो ऑफ मटीरियल हो गया, ये सब कॉन्टीन्यूस होता है बिना किसी बैक ट्रैकिंग के. मटीरियल हैंडलिंग जो है वो फुल्ली ऑटोमेटेड होता है, मतलब ऑटोमेटिकली सब कुछ होता रहेगा. कॉस्ट पर यूनिट कम आती है हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की वजह से. मास प्रोडक्शन की कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि यहाँ पे लो कॉस्ट पर यूनिट होता है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल. कॉस्ट कम लगती है तो आप इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर लेते हो. हायर रेट ऑफ प्रोडक्शन विद रिड्यूस साइकिल टाइम. ऑब्वियसली आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन हाई रहेगा जिससे आपकी साइकिल टाइम कम हो जाएगी. हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है यहाँ पे, ऑलमोस्ट फुल्ली ऑटोमेटेड होता है यहाँ पे. लेस स्किल्ड ऑपरेटर्स जो है वो प्रोसेस को जो है कर सकते हैं. लिमिटेशन ऑफ मास प्रोडक्शन की बात करें तो अगर एक मशीन स्टॉप कर दे काम करना तो पूरे प्रोडक्शन लाइन जो है बंद हो जाएगी. वर्क जो है वो मोनोटोनस है विद मस्ट चैलेंजेस बहुत है, इसमें हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है. उसके बाद सेकंड टाइप आता है प्रोसेस प्रोडक्शन. तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्शन दैट एड वैल्यू बाय मिक्सिंग सेपरेटिंग फॉर्मिंग और परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शन. तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, एक प्रोडक्शन है जो ऐड करता है वैल्यू. कैसे ऐड करता है, कुछ मिक्स कर दिया जी, कुछ सेपरेटिंग कर दिया, फॉर्मिंग कर दिया, केमिकल रिएक्शन. तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन जो है कैरिड होता है कॉन्टीन्यूसली, एक यूनिफॉर्म सीक्वेंस होता है यहाँ पे ऑपरेशंस का. इस सिस्टम में इन्वॉल्व होता है कंटीन्यूअस प्रोडक्शन ऑन फेयरली स्टैंडर्डाइज मशीन टूल, जैसे कि आपके ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन हो गया, फ्रेंच प्रेसेस हो गए. तो प्रोसेस प्रोडक्शन को आप दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, पहला एनालिटिकल प्रोसेस, दूसरा सिंथेटिक प्रोसेस. तो एनालिटिकल प्रोसेस की बात करें तो जहाँ पे रॉ मटेरियल को ब्रॉक डाउन किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, जैसे कि एग्जांपल हमें दिया है कि क्रूड ऑयल को आप एनालाइज कर सकते हो गैस में, पेट्रोल में, केरोसिन एक्सेट्रा. और सिंथेटिक प्रोसेस की बात करें तो व्हेन टू और मोर मटेरियल आर कम्बाइंड टू अ मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट, जब दो या दो से अधिक मटेरियल को जब हम कम्बाइन करते हैं तो प्रोसेस इंडस्ट्री डेवलप एक्सटेंसिव लॉन्ग रेंज रिसोर्स रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे और ज़्यादा कैपिटल चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो
डेडिकेटेड प्लांट एंड इक्विपमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड रहते हैं. मटेरियल हैंडलिंग जो है वो फुली ऑटोमेटेड होती है. लार्ज इन्वेस्टमेंट होती है. नॉर्मली ये कैपिटल इंटेंसिव है. डिमांड फॉर हमारे यहाँ पे बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट की डिमांड होती है. वेरियस केमिकल प्रोसेस होते हैं यहाँ पे, और बल्क कमोडिटीज़ के लिए बेसिकली ये होता है, लाइक स्टील, क्लोथ, फार्मेसी प्रोडक्ट्स, गैसेस, केमिकल, इन सब के लिए प्रोसेस प्रोडक्शन के ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं. असेंबली लाइंस की बात करें तो ये डेवलप्ड हुआ था यूएसए में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में. तो इस टाइप के प्रोडक्शन प्रोसेस में दो या दो से अधिक कंपोनेंट को कंबाइंड किया जाता है ताकि एक फिनिश प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाए. तो इट इज़ मोस्ट यूजफुल व्हेन लिमिटेड वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आर टू बी प्रोड्यूस ऑन अ मास स्केल. तो ये वहाँ यूजफुल रहेगा जब आपको एक लिमिटेड वैरायटी, सिमिलर प्रोडक्ट की लिमिटेड वैरायटीज़ आपको प्रोड्यूस करनी है, और वो भी बड़े स्केल पर. तो रेंज ऑफ प्रोडक्ट पार्शियली या फिर कम्प्लीटली असेंबल होगा लाइंस में, जिसमें आपके टॉयज आ गए, परफ्यूम्स आ गए, कॉस्मेटिक्स आ गए. तो असेंबली लाइन जो है वो डिफरेंट हो सकती है 100% पार्ट्स असेंबली बाय वर्कर्स टू द अदर. एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड मशीन एंड वर्कर्स की जरूरत होती है. यूनिट कॉस्ट लो होती है. कंसिस्टेंट क्वालिटी होती है. नॉट मच फ्लेक्सिबल, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती. वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें. थैंक यू सो मच.